पड़िए, डूबे तरिए या मरिए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर कोचिंग आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम यू इन योर क्लास। होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, यू नो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक लाइक व्हिच नेम इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने लास्ट के टॉपिक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट कर दिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑफ जीएसटी। आज हम अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना जर्नल चैप्टर कंप्लीट किया कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है उसको जर्नल में किस तरह से शो किया जाता है, सेम एज जब हम टैक्स का अमाउंट लेकर चल रहे हैं तो उसको अकाउंटिंग के अंदर किस तरह से शो किया जाएगा, अकाउंट्स में किस तरह से शो करेंगे, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा उसका, इसके बारे में हम डिस्कस करके चलेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द जीएसटी, CGST and SGST, like as the intrastate and interstate. जब आप intrastate transaction करोगे, मतलब एक ही state में transaction कर रहे हो, like as हरियाणा to हरियाणा, हरियाणा के हरियाणा में ही transactions चल रही है, तब आपका कौन सा चार्ज किया जाएगा, CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो intrastate के ऊपर डिस्कस करके चलेंगे। क्या लिखा देखो, अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आज हम इंट्रास्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा अकाउंटिंग का जब हम हरियाणा के हरियाणा में ही शो करके चलते हैं। क्लियर है? तो जर्नल देखिए किस तरह से जर्नल प्रिपेयर की जाएगी। देखो बच्चों, एट द टाइम ऑफ परचेज write down on your notebook for the purchase of the goods। जब आप goods को purchase कर रहे हो तब किस तरह से transaction की जाएगी। एक चीज ध्यान रखो कि जब आप goods को sell करोगे तो आपके पास output आएगा, मतलब CGST के साथ output use किया जाएगा। जब आप goods को purchase करोगे तो goods के साथ CGST input use किया जाएगा। clear है? देखो जैसे अभी तक हम purchase कर रहे थे, परचेज करने की क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने उधार में परचेज किया है तो उस पर्सन का नाम आ जाता है, मतलब जिससे हम परचेज कर रहे हैं उस पर्सन का नाम आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। जिससे परचेज करेंगे हमने उसको पैसे देने हैं, इट मींस वो क्या होगा, हमारा क्रेडिटर होगा। अगर क्रेडिटर होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर नाम मेंशन है, राम, राज, मोहन, सोहन, कोई भी नाम मेंशन है आपको, तो उसका नाम आ जाएगा। अदरवाइज परचेज करेंगे तो क्या बनेंगे, हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे। क्लियर है? देखो हमने अभी परचेज की एंट्री सीखी थी लास्ट में, क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर ट्रांजैक्शन किस में है, कैश में है, तो बच्चे यहाँ पर ज्यादातर बैंक का नाम यूज किया जाता है, क्योंकि जो पूरे का पूरा टैक्स है वो बैंक के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, हम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, अगर उधार में परचेज किया तो क्या आ जाएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है? अगर कैश किया तो बैंक का नाम यूज कर देंगे, अगर उधार में है तो उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। ये एंट्री तो हमने जर्नल में सीख चुके हैं, लेकिन जब जीएसटी होगा हमारे सामने तो किस तरह से चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाएगा क्या, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि आपने परचेज किया तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। गॉट इट?
तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर कैश में ट्रांजैक्शन है, अगर उधार में है तो क्रेडिटर्स आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसी से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, अगर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? अगर कैश में है तो बैंक, सेल करेंगे तो क्या बनते हैं? डेटर्स। अगर उधार में है तो उस डेटर का नाम आ जाएगा बैंक, या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये सीखी थी एंट्री हमने, और साथ में क्या लग जाएगा? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? जब परचेज करेंगे मतलब एक्सपेंस होगा तो इनपुट यूज किया जाएगा, और जब इनकम टाइप में हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या यूज करोगे? आउटपुट यूज करोगे। क्लियर है? परचेज के साथ इनपुट वर्ड यूज किया जाएगा और सेल के साथ आउटपुट वर्ड यूज किया जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इस तरह से अपने नोट्स में भी नोट करते रहना, आगे की एंट्री कर रहे हैं। देखो फॉर्माई बना लेते हैं, यहाँ पर नोट करते रहेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे एग्जाम। नोट कर लो, जिन्होंने नोट नहीं किया दोबारा से लिख देता हूँ। फॉर परचेज ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है? फॉर सेल ऑफ गुड्स तब क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या फिर डेटर, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है? ये परचेज और सेल से रिलेटेड। अब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न फॉर परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, अपने नोट्स में चेक करो, परचेज रिटर्न की क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर्स हो रहे हैं मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री हम सीख चुके हैं। बट जब परचेज करते टाइम सीजीएसटी चार्ज किया गया था, तो रिटर्न करते टाइम वो सीजीएसटी डिडक्ट भी करना पड़ेगा हमें, तो परचेज रिटर्न अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां पर क्रेडिट क्यों किया गया बच्चों? सोचो, दिमाग लगाओ। जब हमने परचेज किया था तो हमने सीजीएसटी को क्या किया था? पे किया था। अब परचेज रिटर्न हो रहा है, सामान वापिस कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंस हमने दे रखा था उसको क्या कर लेंगे? वापिस रिसीव कर लेंगे, तो इसलिए यहां से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? फिर लिखो फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स गुड्स को सेल रिटर्न कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी?
सेफ रिटर्न की क्या एंट्री सीखी थी, सेफ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री सीखी थी। अब सेल्स के साथ क्या वर्ड यूज होगा, आउटपुट। अगर सेल के साथ क्रेडिट हो रहा था तो सेल रिटर्न के साथ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री रहेगी, देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्लियर है, ठीक है बच्चे। परचेज की क्या एंट्री रही, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेज रिटर्न की क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और परचेज के साथ क्या यूज किया था, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, वहां पर डेबिट किया था, परचेज रिटर्न के साथ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आफ्टर देन सेल की क्या एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब सेल रिटर्न कर रहे हो तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी, यहां पर क्रेडिट किया था, वहां पर क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्लियर है, आगे नोट करो, फोर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस की क्या करोगे बच्चे, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस के साथ क्या यूज करा, इनपुट यूज किया, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश के थ्रू ही पे कर दिए जाते हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, एक्सपेंसेस की ये एंट्री होगी, इनकम्स की अपोजिट कर दो, ठीक है बच्चे। तो और जैसे ड्रॉइंग इनपुट्स एक हमने एंट्री सीखी थी, ड्रॉइंग इनपुट्स जब आप गुड्स को क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो क्या एंट्री दी थी आपने, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो अब क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और परचेज के साथ क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है, ड्रॉइंग इनपुट्स की क्या एंट्री की थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो अब क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और परचेज के साथ क्या यूज किया जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। देखो जिस तरह आपने अभी किसकी करी, एक्सपेंसेस की करी, इन द केस ऑफ इनकम इनकम के टाइम क्या एंट्री करोगे, जब इनकम रिसीव करते हो तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो उनसे भी इनकम रिसीव करी। जैसे एग्जांपल लिया हमने, कमीशन रिसीव किया, अगर कमीशन रिसीव कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अभी क्या करोगे, जब सीजीएसटी वगैरह चार्ज किया जा रहा है तो क्या एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट और टू
इनकम के साथ क्या यूज होगा? आउटपुट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? इनकम के साथ क्या यूज किया जाएगा? आउटपुट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? आगे देखो, यहां तक नोट कर लिया होगा बच्चे, ये थोड़ा सा साफ कर दिया। जिन्होंने ना किया हो वो स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे से वीडियो पॉज कर लेना। आगे देखो, एक और सीखी थी हमने, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या फिर बाय फायर, कि गुड्स को लॉस किया जा, लॉस हो रहा है या तो थेफ्ट से हो रहा है या फिर फायर से हो रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे? देखो, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर, गुड्स का लॉस हो रहा है थेफ्ट से या फिर फायर से, तो क्या एंट्री की थी? लॉस ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही की थी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अभी भी यही होगी बच्चे। लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और परचेज के साथ क्या लगेगा? इनपुट लगेगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? ये वाले क्वेश्चंस थे जो कुछ थे हमारे इंपॉर्टेंट थे, तो इस तरह से ये एंट्री पास की जाएंगी। एक तो हमारी परचेज की होगी, एक सेल की होगी। परचेज के साथ क्या लगेगा, क्या यूज किया जाएगा? इनपुट यूज किया जाएगा। सेल के साथ क्या यूज किया जाएगा? आउटपुट यूज किया जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर उधार में परचेज करिए तो क्या बनेंगे? क्रेडिटर्स बनेंगे। क्लियर है? सेल करेंगे तो क्या बनते हैं? डेटर्स बनते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो बैंक आ जाएगा, और अगर उधार में है तो क्या आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। जब परचेज कर रहे थे तो इनपुट क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। अभी सेल करेंगे तो परचेज रिटर्न करेंगे तो इनपुट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। वहां पर परचेज कर रहे थे मतलब सामान आ रहा था, यहाँ पर परचेज रिटर्न हो रही है बोले तो सामान जा रहा है, इसीलिए आफ्टर देन सेल रिटर्न। सेल कर रहे थे तो आउटपुट क्रेडिट हो रहा था, अभी सेल रिटर्न कर रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि जो सेल है सामान जा रहा है और सेल रिटर्न में सामान आ रहा है, इसीलिए आफ्टर देन कोई एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कोई इनकम होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम टू आउटपुट। परचेज किया था एक्सपेंस था तो इनपुट लग रहा था, सेल है इनकम है, इनकम है तो क्या लगेगा? आउटपुट। ड्रॉइंग इन गुड्स, अगर गुड्स को विड्रॉल कर रहे हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज के साथ क्या लगता है? इनपुट लगता है। लॉस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का लॉस हो रहा है किस वजह से हो रहा है? लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज के साथ क्या लगेगा? इनपुट लगेगा। क्लियर है? जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, इस टाइप का भी था हमारा। गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो जिन बच्चों ने अभी जर्नल नहीं समझी है वो पहले जर्नल को समझे, उसके बाद ये तो बहुत इजी टॉपिक है हमारे लिए अगर हमें जर्नल आता है। अगर फ्री सैंपल के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो क्या एंट्री होगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट, और परचेज के साथ क्या लगेगा, इनपुट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एससीएसटी अकाउंट। क्लियर है? फॉर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एससीएसटी अकाउंट। ये तो हमने कलेक्ट करने की एंट्री कर दी और पे करने की, मतलब जितनी इनकम रिसीव हो रही थी और जितने हम पे कर रहे थे एक्सपेंस हो रहे थे, तो उन सब्जेक्ट्स की हमने एंट्री कर दी। ये वाले टॉपिक्स हम जनरल में भी कर चुके हैं, बस यहाँ पर जो हमारा नया कंसेप्ट था वो यही था कि जीएसटी किस तरह से यूज करेंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट। क्लियर है? अब जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है हमारा, जो ये रिसीव करा हमने, मतलब आउटपुट, जैसे अब पेमेंट भी तो करेंगे गवर्नमेंट को, कि जो आउटपुट रिसीव कर रहे हो, जो इनपुट पे कर रहे हो, जो ये रिसीव और पेमेंट चल रही है, तो आप कितना पे करोगे गवर्नमेंट को बचा हुआ सामान, तो उस चीज की एंट्री की जाएगी। देखो, लिखो फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, मतलब कितना रिसीव करा और कितना पे करना था उसकी ट्रांजैक्शन की जा रही है। तो देखो बच्चे, आउटपुट के अगेंस्ट सेटलमेंट करनी है, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये सेटलमेंट की एंट्री है। जब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड बहुत आसान लगेगा। आज की वीडियो में सिर्फ यही कंसेप्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे इससे रिलेटेड। तो देखो नेक्स्ट है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। अब एसजीएसटी की सेम एंट्री रहेगी क्या, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? आउटपुट को सेट कर दिया किससे, इनपुट से सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? फॉर सेटिंग ऑफ द इनपुट एसजीएसटी अकाउंट अगेंस्ट द आउटपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी की सेटलमेंट कर दी। अब बाकी की जो अमाउंट कर रह गई उसकी पेमेंट की एंट्री, फॉर पेमेंट, जितनी हमने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, बाकी की जो अमाउंट रहेगी उसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये लास्ट एंट्री। क्लियर है? ये एडजस्टमेंट की, जितनी हमने रिसीव करा और जितना पे करना था, ये भी एडजस्टमेंट की। बाकी की जो पेमेंट बच गई वो किसको पे करनी है, गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को पे करने की। एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, अगर इन तीन एंट्री को शो नहीं करना, तो एक कंबाइन एंट्री हो सकती है क्या, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और अगर पेमेंट बच जाती है तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? आपको पहले भी बताया चुके जा चुका कि कंबाइंड एंट्री किस तरह से होती है। देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। इन दोनों को डेबिट कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये दोनों सेम, यहाँ पर भी डेबिट थे, यहाँ पर भी डेबिट थे, हमने भी डेबिट ही कर दिया और बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कंबाइंड एंट्री का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी एंट्रीज की जगह एक ही एंट्री जब पास कर दी जाती है उसको कंबाइंड एंट्री बोला जाता है। तो ये आपका जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, इससे रिलेटेड नॉन न्यूमेरिकल लाया जाएगा आपके लिए कल, इस तरह का लाएंगे बच्चे जिससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो ये वीडियो
वीडियो देख रहे हैं वो ट्राई करना अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के, जिनको समझ ना आए वो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है जीएसटी टैक्स को समझना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, अपने आप का ध्यान रखें, घर पर बैठकर स्टडी को कंटिन्यू करते रहो और वीडियो को टाइम टू टाइम चेक करते रहो। जो बच्चे पिछली वीडियो देख रहे हैं बार बार उनको समझते रहो, उस कंसेप्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। घर पर रहोगे स्टडी को कंटिन्यू करोगे, मार्क्स को बहुत अच्छे गेन कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं रहेगा फिर आपके लिए। कोई डाउट रहता है तो कॉल भी कर सकते हो, बच्चे आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था हमारा जनरल से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कंसेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। ओके बच्चे, थैंक यू, घर रहना, स्वस्थ रहना, टेक केयर, बाय।